अस्सलामुअलैकुम रहमानी न्यूज़ के साथ मैं हूं दीहा चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुहैर असद। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान मुल्क भर में आओ इंसानियत की खिदमत करें अपनी मदद आप करें के सिलसिले में दुखी इंसानियत और मखलूक खुदा की खिदमत में दिन रात कोशा है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के मरकजी कायदीन की हदायत पर यूनिट जिगना ने गुज़िश्ता साल की तरह इसी साल भी रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में मुस्तहिक लोगों में रमजान पैकेज तकसीम किया। इस मौके पर यूनिट जिगना के जनरल सेक्रेटरी मियां मोहम्मद अजमर रहमानी का कहना था कि हमने कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए घर घर जाकर रात के अंधेरे में राशन तकसीम किया ताकि मुस्तहकीन की इस तरह नफ्स मजरूह ना हो। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज उस्मान असगर से। जी उस्मान जी, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान मुल्क भर में आओ इंसानियत की खिदमत करें अपनी मदद आप करें के सिलसिला में दुखी इंसानियत और मखलूक खुदा की खिदमत में दिन रात कोशा है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के मरकजी कायदीन की हिदायत के मुताबिक गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी यूनिट जगना ने इलाका भर में मुस्तहक अफराद को राशन पैकेज रात के अंधेरे में तकसीम किया ताकि मुस्तहकीन की इज्जत नफ्स मजरूह न हो। मुस्तहकीन की तादाद 140 है, इसमें चीनी 5 किलो, घी 5 किलो, दालें 5 किलो, सुपर कर्नल चावल 15 किलो, आटा फाइन 10 किलो, कुल वजन 40 किलो फी मुस्तहिक अदा किया गया। जी जी उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।